संतोष आप लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मतदाताओं से बात करिए, कुशीनगर सबसे हॉट सीट है। परोना विधानसभा पे जो कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य सिटिंग एमएलए रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये अपना चेंज करके ये फाजीनगर विधानसभा में इस समय लड़ रहे हैं जी, और यहाँ पर कुंवर आरपीएल सिंह का ये सीट रहा है जी। परोना सबसे ज्यादा हॉट सीट इसलिए हो जाती है संतोष, पडरौना में दो ऐसे चेहरे हैं, चाहे वो आरपीएन सिंह हो चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दोनों ही तीन तीन बार विधायक रहे हैं और दोनों ने ही पार्टी बदल दी है। ऐसे में कितना असर देखा जा सकता है जनता के बीच, किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जी मैडम, मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना तीन बार यहाँ पर एमएलए रहने के बाद इन्होंने अपना पार्टी चेंज करके और विधानसभा भी चेंज करके, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ? यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ की जनता जान चुकी है उनके कार्यों को, और वो केवल सत्ता के और लाभ लोभ के लिए पार्टी बदलते हैं। और यहाँ टक्कर किसके बीच में चल रहा है? यहाँ टक्कर सपा और भाजपा के बीच में चल रहा है, सपा और भाजपा में चल रहा है। किस मुद्दे को लेके आप लोग यहाँ वोट देने आए? हम राष्ट्र के और विकास के मुद्दे पे वोट करने आए। एक आप युवा है, आपका क्या मुद्दा है? आप युवा है, पहली बार वोट दे रहे हैं क्या? पहला वोट है, किसको आपने वोट दिया, क्या आपका उद्देश्य रहा, मुद्दा क्या रहा? पहले तो मैं रेडियो में आकर भगा दिया हूँ, अब अपने भैया को जिताने के लिए आया हूँ, अब मैं अपना वोट दे दिया हूँ जहाँ मुझे देना चाहिए, और मैं अपने विकास अपने पटरानों के विकास के लिए मैं अपना वोट दिया हूँ, अपना नज नजदीकी के लिए वोट दिया हूँ, जो मेरे साथ कर सकता है मुझको वोट दिया, बाहरी को मैं वोट नहीं दिया। बाहरी को आपने? तो यहाँ तो कोई बाहरी नहीं है, बाहरी बहुत जो मेरे करीब है, जो मेरे पटौना का है, मैंने उनको वोट दिया।